हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो फाइनली अब दिन आ गया है कि लड़की की शादी होने वाली है, तो फंक्शन शुरू होते हैं हल्दी से। तो अभी 8 तारीख है और मम्मी मायके जाने की तैयारी कर रही है, सारी पैकिंग है, ये सारा सामान उनका ही है और पीछे हम लोग भी नहीं है भाई, हमारी भी तैयारियां हो चुकी हैं। और ये देखिए कितना हबड़ तबड़ होता है तैयारियां करने में, बताते नहीं बनता। मायके जाने की तैयारी जोरों शोरों पे है। क्या बची इसमें? और सबसे ज्यादा टाइम तो चूड़ियां सेट करने में ही लगता है, हमारी भी हो गई लगभग। कैसे लगी बाजरे की रोटी? अरे मेरा बच्चा कितना ट्रेंड हो गया है, और नहीं बहुत है, अच्छा आधी कहने में। बची तो जो मेहंदी वाले दिन हम साड़ी पहनने वाले हैं, तो उसी का ब्लाउज ट्राई कर रहे थे कि मम्मी कहीं देख लो कि कहीं से टाइट या ढीला ना हो, फिटिंग कर देते हैं। और 8 तारीख की शाम को हम लोग गाँव पहुंच गए, क्योंकि वहां पे एक परिवार में ही शादी थी, तो गाँव जाना जरूरी था। और हम लोग 9 की सुबह को ही निकल जाएंगे। पहले तो शाम को प्लानिंग थी जाने की कि मम्मी चली जाएंगी और हम लोग 9 को जाएंगे, लेकिन फिर हुआ कि गाँव में फंक्शन है तो 9 की सुबह को ही चलते हैं हल्दी वाले दिन। तो अभी हम लोग गाँव पहुंच गए और ये मेहंदी संगीत की डांस प्रैक्टिस चल रही है। तो पैकिंग वगैरह हम लोग करके ही आए थे, बहुत सारी तैयारियां हो जाती हैं भाई, पूरा दिन फुर्सत नहीं मिली। और वही मैं दिखा रही थी कि सबसे मेन तो ये कर लेना चाहिए एक दिन पहले ही, पायल बिछिया नेल पेंट पैरों को सजा लेना चाहिए, टाइम बहुत लगता है। और गांव में जो शादी है उसी के लिए मम्मी लोग रेडी हो रही हैं, और बहुत कॉमेडी कर रही थी बुआ, फेस वॉश लगा रही, बहुत कॉमेडी वाला सीन था, लेकिन नहीं डालूंगी बुआ, बहुत डांटेंगी मुझे। और एक दिन पहले मैंने स्नैक्स बनाया था, गोभी के कटलेट्स। आंटी आई हुई थी मम्मी की फ्रेंड और बहुत तारीफ करी थी, तो मैंने वीडियो शूट कर लिया था, तो हमने कहा कि चलो शेयर कर देते हैं रेसिपी। तो ये गोभी ले ली है, धो के अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, और ये चावल का आटा इसमें मिक्स कर देंगे जिससे कि पकौड़ी कुरकुरी बने। और इसमें थोड़ी सी सब्जियां डाल देंगे, सिर्फ प्याज और धनिया हमने कट करी, और थोड़ी सी एक हरी मिर्च, क्योंकि यादगार बनाना है स्वाद को जब हरी मिर्च मुंह में पड़े। और यहाँ पे थोड़ा बाइंडिंग के लिए 2-3 चम्मच हम इसमें बेसन ऐड कर देंगे, और थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च हम थोड़ी सी डाल देंगे भाई, थोड़ी सी तीखी चटपटी बना रहे हैं। और ये थोड़ी सी अजवाइन और 1 से 1.5 चम्मच जीरा, तो दोनों का ही फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और थोड़ी सी काली मिर्च, तो बता रहे ना बहुत चटपटी बनाने वाले हैं। और 1 छोटा चम्मच नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार रखिएगा। और बस सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही औसम टिक्की बनी थी, बहुत ही ज्यादा, और बहुत तारीफें भर भर के मिली थी मुझे। तो रेसिपी आप लोग भी देखिए। और मिक्स करने के बाद हमें थोड़े से मसाले अभी और ऐड करने हैं, क्योंकि बहुत ही चटपटी बनाने वाले हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी और अजवाइन, तो हमें तीनों चीजें डालनी है, अजवाइन सौंफ जीरा, क्योंकि हम शायद अजवाइन जो सौंफ डाली थी उसको अजवाइन बोल गए हैं, तो ये अजवाइन अब डाल रहे हैं। और इसमें हम साबुत धनिया भी थोड़ा क्रश करके डालेंगे, बहुत ही टेस्टी बने। बस हमें अच्छे से हाथों से गोथ लेना है, और पानी डालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, गोभी और प्याज सब अपना पानी खुद ही छोड़ता है, तो वो अच्छे से बाइंड हो जाता है, तो पानी बिल्कुल भी मत डालिएगा। और ये देखिए कटलेट्स हमारे बनके तैयार हो गए हैं, और इन्हें हमने तलते हुए नहीं दिखाया, क्योंकि भाई तेल बहुत ही झाग वाला था, तो हमने कहा अब क्या ही दिखाएं। तो बस गोल गोल टिक्की बना लेनी है, और इसे हमें डीप फ्राई कर देना है, और टोमेटो सॉस या हरी चटनी आपको जो पसंद हो सर्व कर लीजिए उसी के साथ, और बस अपने मेहमानों को खिला दीजिए, खुश हो जाएंगे बाय गॉड, और बहुत ही ज्यादा तारीफ मिलने वाली है। और हमने ये छोटी आलू की सब्जी बनाई है, जो छिलके वाली आलू होती है ना, ये बहुत ही ज्यादा यम्मी लगती है। और सिर्फ इसे हम जीरा और लहसुन और मिर्च से तड़का दिया है, माय गॉड बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए चलिए, अब 9 तारीख आ गई है भाई, हम लोग निकल रहे हैं मामा जी के यहाँ शादी के लिए। तो अभी आज हल्दी होने वाली है, और मम्मियाँ जल्दबाजी में अपनी इयररिंग्स डालना भूल गई हैं, तो वही हम लोग हंस रहे थे कि भाई मायके जाने की इतनी भी क्या खुशी की, खुशी तो होती ही है बहुत।
फाइनली हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं और ये देखिए वहाँ की तैयारी भी हो गई है। चूड़ियाँ हमने डालनी है जो हल्दी में पहनेंगे, क्योंकि साड़ी वहाँ चेंज कर लेंगे। बस मामा जी के यहाँ पहुँच गए हैं और मॉर्निंग में ही पहुँच गए हैं। खाते हुए सूट कर रहे हैं। कहाँ उनके लड़का हुआ बेटा हुआ है? कहाँ देखा ही कोई? अब तो वीडियो बनेगा आपका। छोटे मामा जी का कपड़े पहनो, बहुत ही क्यूट है। ये देखो जब से आए हैं ये मामा दो बार खा चुके हैं। यही मामा बार बार खा रहे हैं। तो पहली बार। हाँ। और अभी हो चुकी है शाम और हम लोग रेडी हो रहे हैं हल्दी के लिए। तो बस हल्दी का प्रोग्राम बड़ा है तो हो सकता है कि दो तीन पार्ट में वीडियो आए, और बहुत ही मस्त फंक्शन हुआ है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं हल्दी का फंक्शन। तो पहले तो रेडी हो जाते हैं भाई, हम औरतों को बहुत टाइम लगता है रेडी होने में। तो कितनी भी तैयारियां कर लो, पता नहीं कब से तैयारियां हो रही हैं। इंगेजमेंट तो 26 तारीख को थी और उसके बाद से बस तैयारियां ही चल रही थी। अब आ गई है डेट हल्दी की 9 तारीख। हल्दी के लिए फाइनल लुक ये है और बाकी का वीडियो आप लोगों को भाई बाद में मिलेगा, इंतजार करना पड़ेगा। और यहाँ शाम के लिए खाना बन रहा है, तो अभी तो घर में ही खाना बन रहा है, मतलब घर के ही लोग हम लोग बनवा रहे हैं। और कल से फिर कारीगर आ जाएंगे तो सिर्फ मजे ही मजे हैं, फुर्सत है भाई। तो अभी तो हम 10 तारीख को वापस आ जाएंगे घर, 11 को है मेहंदी तो तब जाएंगे। और नीचे इन पागलों की मस्ती हो रही है और मुझसे रहा नहीं जा रहा है। और इतनी मस्त फैमिली है ना कि दुख तो आस पास ही नहीं भटकने देते भाई, बहुत इंजॉय करते हैं। लाइफ को जीना क्या होता है यहाँ से सीखना चाहिए। और कभी इंट्रोड्यूस करवाऊंगी इस फैमिली से, तब तक के लिए बाय बाय।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हल्दी वाले वीडियो देखने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। मुस्कुराइए आप कैमरे की नजर में मामी।